हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो भाई? उम्मीद तो करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारे यहाँ पे नहीं है लाइट, आज सुबह से नहीं है। आज रेसिपी शूट करनी थी, तैयारी भी मैंने करके रखी थी, दाल भी बो के रखी थी, पर सुबह से लाइट का वेट करते 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 रात हो गई और अभी तक लाइट नहीं आई। ऐसा पहले कभी होता नहीं है, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी लंबी लाइट गई है। और यहाँ कहीं पे मोमबत्ती भी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ ऐसा लाइट का कभी प्रॉब्लम होता नहीं है, इसलिए लोग लेते नहीं हैं, तो दुकानदार भी रखते नहीं हैं। तो आसपास की दुकानों में भी कहीं भी एक भी मोमबत्ती नहीं मिली। तो अभी आप देख सकते हैं, तो अभी आप देखिए, मैंने घर के अंदर तेल डाल के थोड़ा सा एक दिया जलाया है। बाकी बाहर वाले रूम में मैं बैठी हूँ। अभी जेकी भी बेचारा बहुत ज़्यादा, अभी थोड़ा सा उजाला है, थोड़ा लगभग 7:30 होने वाले हैं, 7:30 हो चुके हैं, तो बाहर उजाला है। तो कम से कम यहाँ बैठी हूँ, पूरे घर में अंधेरा हो गया और मुझे लगता है अंधेरे से बहुत डर। तो मैं बेटे को बोल रही हूँ तो जल्दी से आ जा, और मोमबत्ती अगर कहीं से मिले तो तू लेकर आ, कि बिना मोमबत्ती के तो कैसे करेंगे, खाना कैसे बनाएंगे। टाइम भी बता रहे हैं अभी तक शायद 9 बजे तक आएगी लाइट। तो आज रेसिपी भी मिस हो गई मेरी, कोई वीडियो नहीं बना पाई मैं, क्योंकि नेट भी नहीं चल रहा है, वाईफाई नहीं चल रहा है। तो ये मैं वीडियो सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए, जब लाइट आएगी तब आप लोग के लिए डाल दूँगी। शॉर्ट्स भी नहीं बना पाई आज मैं कोई भी। बाहर तो हवा चल रही है, पर जैकी फिर बाहर जाने की जिद करेगा और नॉडी भी है, तो इसी वजह से बाहर नहीं बैठ पा रही हूँ मैं। तो देखिए बाहर तो अच्छा, हाँ, सुकून मिल रहा है, थोड़ी हवा आई है, तो देख रहे हैं कितना अच्छा मौसम लग रहा है। लग रहा है बरसात आएगी, पर आती तो नहीं है, यही बात है कि आती नहीं है। देखिए कितना सुंदर मौसम है। मैं बाहर का सीन आप लोग को बहुत कम दिखाती हूँ, पर दिखाती हूँ, है ना। देखिए कितना अच्छा मौसम है यहाँ का। मुंह धोने गई थी, बिंदी भी निकल गई है, मुझे मज़ा नहीं आता है बिंदी के बिना बिल्कुल भी। किसी के घर में खिचड़ी बन रही है, मैं भी आज पुलाव ही बनाऊंगी, रात को फटाफट से बन जाएगा वो। तो रात को सब लेट आने वाले हैं, तो 9 बजे तक बोल रहे हैं लाइट आ जाएगी, तो अच्छा है। पुलाव बनने में तो देर नहीं लगती, 10 मिनट में पुलाव बन के तैयार हो जाता है। बाकी जो दाल भिगो के रखी हुई थी मैंने पानी से निकाल के अंदर रख दी है अभी फ्रिज में, जो मैं कल रेसिपी शूट करूँगी अब। तो चलिए मिलते रहेंगे फिर इसी तरीके से। आप लोग अपना अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। पेड़ पौधे कितने सुंदर दिखते हैं, है ना, उसी से ही छाया मिलती है, उसी से ही ठंडी हवा मिलती है। आजकल लोग पेड़ काट काट के फ्लोर खड़े करते जा रहे हैं, पर ये नहीं मालूम है इन्हीं से जीवन मिलता है। खाने को तो मिलता ही मिलता है, फल फ्रूट तो मिलते ही मिलते हैं, ठंडी हवा और छाया भी मिलती है, जीने के लिए ऑक्सीजन मिलती है। अगर आज नहीं समझोगे तो बहुत देर हो जाएगी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। पेड़ लगाओ और पेड़ों को काटना बंद करो, तभी जीवन है, नहीं तो आने वाला टाइम और भी ज़्यादा भयानक होगा, इससे भी ज़्यादा गर्मी होगी जो लोग सहन भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड। पेड़ पौधे लगाइए, ऐसी ठंडी हवा खाते रहिए, है ना, गर्मी में राहत देती है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए करते हैं बाय बाय।